महा कार्टून टीवी। इंसान ने बुलाई चुड़ैल। एक बार की बात है, एक खेड़गांव नाम का गांव था, जिसमें एक हरी नाम का आदमी अपनी पत्नी और एक छोटी बच्ची के साथ रहता था। हरी की एक किताबों की दुकान थी, जहां वो हर तरीके की किताबें बेचा करता था। हरी को खुद भी किताबें पढ़ने का काफी शौक था, इसीलिए वो हमेशा दुकान में आई हर एक नई किताब पढ़ लिया करता था। हरी के पास एक जादुई शक्ति थी, जिसका उसे अंदाजा तक नहीं था। हरी जब भी जोर से किताब पढ़ता, तब उस किताब से उसकी कहानी का एक कैरेक्टर बाहर आ जाया करता था, कभी कोई जानवर या कोई चीज। एक दिन हरी को एक नई किताब मिली, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई किताब लिखा था, जिसे वो पढ़ने के लिए अपने साथ अपने घर ले आया। राधा, ओ राधा, कहाँ हो भाई, जरा पानी तो पिलाना। जी आ रही हूँ। मुन्नी कहाँ है? आज उसे एक नई कहानी सुनाने के लिए एक और नई किताब लाया हूँ। वो तो सो रही है। अच्छा कोई नहीं, जब उठ जाएगी तब उसे पढ़कर सुनाऊंगा। हाँ, तब तक आप खाना खा लीजिए। लो जी, मुन्नी भी उठ गई। बाबा। आजा मेरी गुड़िया, देख बाबा नई किताब लाए हैं, कहानी सुनेगी? हाँ। मुन्नी, ये कहानी है जादू की। एक चुड़ैल थी जो छोटे बच्चों को पकड़कर ले जाया करती थी, क्योंकि उन बच्चों को मारने से चुड़ैल की शक्तियाँ बढ़ जाया करती थी। ओह! हरी ने जोर जोर से कहानी पढ़ना शुरू कर दिया कि तभी उसके हाथ से किताब छूटकर ऊपर हवा में उड़ने लगी और बुक में से बहुत तेज रोशनी आई, जिसमें से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल निकली। ये क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे आई? ये मैं कहाँ गई? मैं तो उस राजकुमारी के घर पर थी ना, मेरे पास बस आज का ही दिन है, मुझे बस एक बच्ची की बलि चढ़ाने के लिए चाहिए। हाँ? ये सब सुन रही राधा डर गई और उसने मुन्नी को अपनी गोद में उठा लिया। मेरी बच्ची से दूर रह, अगर तूने इसे छूने की हिम्मत भी की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुम जो भी हो, यहाँ से इसी वक्त चली जाओ, हम तुम्हें अपनी बच्ची को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, मैं तो चली। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो बाबा, माँ, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। अब मैं इसकी बलि देकर और भी ताकतवर बन जाऊंगी। बचाओ, कोई तो बचाओ। हरी और राधा की चीख सुनकर सारे गांव वाले इकट्ठा होकर उनके घर आ गए और दोनों के हाथ खोल दिए। फिर हरी और राधा ने सबको पूरी बात बताई, लेकिन किसी को भी उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ और सब वहां से चले गए। अब क्या होगा, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, कुछ तो कीजिए आप। तुम रो मत, मैं हमारी मुन्नी को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ ना कुछ कर हम उसे ढूंढ ही लेंगे। लेकिन कैसे? मैं इस किताब को पूरा पढ़ता हूँ, क्या पता कुछ पता चल जाए। हरी ने वही किताब जोरों से पढ़ी। किताब में एक परी के बारे में बात हो रही थी कि तभी एक तेज रोशनी के साथ वहाँ एक परी आई। आप दोनों कौन हैं? और ये कौन सी जगह है और आप सब रो क्यों रहे हैं? ये खेड़ गांव है और मैं हरी हूँ और ये मेरी पत्नी राधा है। अपने बारे में बताने के साथ साथ हरी ने परी को चुड़ैल के बारे में भी सब कुछ बता दिया, साथ ही ये भी बताया कि किस तरह वो उनकी बच्ची को उठा कर ले गई। ये चुड़ैल कभी नहीं सुधरेगी, इस बार तो मैं इससे अच्छा सबक सिखाऊंगी। क्या आप जानती हैं कि वो मेरी बच्ची को कहाँ लेकर गई? अगर ऐसा है तो कृपया उसे बचा लीजिए, मेरी मुन्नी को वापस लाने में कृपया करके हमारी मदद कीजिए। हाँ, आप जो चाहोगे मैं वो करूँगा, प्लीज प्लीज हमारी बेटी को ढूंढने में हमारी मदद करो। आप लोग चिंता मत करो, मैं मुन्नी को जरूर ढूंढ कर ले आऊंगी।
लेकिन हमें तो मालूम नहीं कि चुड़ैल मुन्नी को लेकर कहाँ गई होगी। वो मैं पता लगा लूंगी। गुफा में पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि चुड़ैल एक बड़े बर्तन में बेहोश मुन्नी को डालने जा रही होती है, जिसमें पानी उबल रहा होता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मुझे ये बच्ची वापस दो। मैं तुम्हें मुन्नी को कुछ नहीं करने दूंगी। आज तो मैं तुझे भी मार डालूंगी। देखते हैं कौन किसे मारता है। परी ने अपनी छड़ी मुकाबले के लिए तैयार की और हरी और राधा को छुपने का इशारा किया। इसके बाद दोनों एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गए। उसके तुरंत बाद ही चुड़ैल और परी के बीच लड़ाई शुरू हो गई। चर चर चर, तू जल के मर। ओए माँ, अरे बचाओ रे, मैं जल रही हूँ। कोई तो बचाओ रे। इस तरह चुड़ैल पानी में उबलकर मर गई और सबने राहत की सांस ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बेटी को बचा लिया। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हरी, अब मुझे भी जाना होगा और मुझे सिर्फ तुम ही वापस भेज सकते हो। मुझे भेजने के लिए तुम्हें उस कहानी की वो लाइंस दोबारा पढ़नी होगी जिससे मैं यहाँ आई थी। अब मैं समझा नहीं। हरी, तुम्हारे पास एक शक्ति है जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुम जब भी कोई किताब जोर जोर से पढ़ते हो तो उसके किरदार असलियत में बाहर आ जाते हैं, और जब भी तुम वही पंक्तियाँ दोबारा पढ़ोगे तो बाहर आया किरदार वापस चला जाएगा। हरी सारी बात समझ गया। इसके बाद वो घर वापस आया और उसने किताब पढ़नी शुरू की। किताब दोबारा पढ़ते ही परी उसमें वापस चली गई। उस दिन के बाद से हरी अपनी शक्तियों के बारे में जानकर उसका सोच समझकर इस्तेमाल करने लगा और फिर से खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।